खुश आमदीद, वेलकम जी आया हूँ। अभी पिछली नशित चूंकि थोड़ी सी तवील हो गई थी तो भाई नसीम साहब ने हमें बीच में ही खुदा हाफिज कर दिया। हम फिर उसी को कंटिन्यू करते हैं और वो बातों बातों में एक बात कहते कहते स्लिप हो गए या पतली गली से निकल गए, जिसको हम शामली वाली भाषा में बोले तो, कि रूस इस ताकत को और जितना भी ये आर्थिक आतंकवाद वेस्ट का जो है या जो वेस्ट की अपनी आर्थिक नीतियां हैं ये जिसके काबिज में जो उनके आर्थिक शिकंजे हैं वहां से निकालने के लिए रूस कुछ मेहनत कर रहा है, कुछ रास्ते बता रहा है, तो उसके मुतालिक भाई साहब आप थोड़ा सा तफसील से बताएं कि ऐसा क्या हो रहा है जो हम उन शिकंजों से निकल जाए जिसे आप वर्ल्ड बैंक कहते हैं, IMF कहते हैं या डॉलर कहते हैं। जी जी जी, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल को आगे बढ़ाया है, तो मैं थोड़ा सा आज और ज्यादा वक्त ले लूंगा। वैसे तो बेमाना मैं हमेशा करता हूँ, पर मैं नाजरीन से भी थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ, आदतन तो माफ करें, हालांकि हमारी जुगलबंदी ठीक है मगर फिर भी मैं जो है मैं कोशिश करता हूँ जी। देखिए सबसे बड़ा कदम, देखिए एक शुरुआत हुई थी, आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद तमाम दुनिया के देशों ने, जब ये यूक्रेन में रशिया को घेरने की बात चल रही थी तो बिटकॉइन तैयार हो चुका था, चीजें एग्जीक्यूट करना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि ये बात पुतिन जानता था कि अब जब हम युद्ध में जाएंगे तो हमारा जो कारोबार है वो स्विफ्ट या बैंकों के जरिए नहीं करने दिया जाएगा और डॉलर एक मजबूरी होगा, और ये डॉलर जो मजबूरी है ये हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ के रख देगा और हमें घुटने टेकने पड़ेंगे, पश्चिमी जो आर्थिक आतंकवादी हैं उनके सामने हमें घुटने टेकने पड़ेंगे। यानी उन्होंने एक छोटे बच्चे की तरह, जिस तरह किसी के गर्दन पे छुरी रख के अपने कब्जे में कर लेते हैं, इन आर्थिक आतंकवादियों ने, जिन्हें मैं रोज चाइल्ड एम्पायर के भाई भतीजे कहता हूं, ये तमाम लोगों ने दुनिया की मासूम सी अर्थव्यवस्था, जो उनके खाने पीने चलने जीने की जिंदगी के जो दस्तूर हैं, जिन्हें हम अर्थव्यवस्था से जब कनेक्ट करते हैं, तो अपने यहाँ गिरवी रखा है और एक बच्चे की तरह उसकी गर्दन पे छुरी रखी हुई है। ये किसी को भी धमकी देते हैं कि तुमको इकोनॉमिकली बर्बाद कर देंगे, 2 मिनट में तुम्हारी अर्थव्यवस्था को उड़ा देंगे। शायद वही थ्रेट जो है हिंडनबर्ग भी सप्लाई कर रहा है और ऐसी ये तमाम दुनिया के साथ करते रहे हैं। पाकिस्तान अच्छा ग्रो कर रहा था, कोरोना के टाइम में उनकी अर्थव्यवस्था बिगाड़ के रख दी, और अरबों को ये इसी बात की धमकी देते हैं कि अगर हमने तुमको खड़ा किया है तो ये मत भूलिएगा कि 2 मिनट पे जमीन पे ले आएंगे, और ऐसा ये बार बार करते रहे हैं। तो रूस ने इस बार 2007 से पुतिन ने एक प्लानिंग शुरू की थी, उसकी प्लानिंग ये थी कि रूस चाइल्ड अंपायर को डिस्ट्रॉय करना है किसी भी सूरत में। रूस चाइल्ड अंपायर की कंपनियों को नहीं, रूस चाइल्ड अंपायर के जो उनके निजाम है उनको नहीं, बल्कि उनका जो बैंकिंग व्यवस्था है इससे दुनिया को निकालना ही पड़ेगा। और ये कैसे चलता है थोड़ा सा विस्तार से बता दूं पावा साहब, के अब ये जो व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया है कि उसने बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को लीगलाइज कर दिया है। इसका अर्थ बहुत बड़ा है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, इसे समझना नहीं चाहता। तो हम आज के प्रोग्राम में शायद यही कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की कि अगर ये जो निजाम अब शुरू हो रहा है कि हो चुका है, वैसे तो काम कर रहा है बहुत जबरदस्त, USDT एक जो है डिजिटल डॉलर है अमेरिका का, क्रिप्टो करेंसी। लोग बाग आजकल प्राइवेट कंपनियां आपके बच्चों को, जो उनके मल्टीनेशनल में काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप अपनी तनख्वाहें USDT में ले लो, यानी डिजिटल डॉलर में ले लो। इसका तरीके पर हम बात करेंगे। बिटकॉइन के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं, बहुत बहुत सारी, एक नहीं है अनेकों जो है वो करंसिया। अच्छा, इसी में एक सवाल बीच में मेरे जहन में आया, माजरत चाहता हूँ। जी जी, अभी कुछ दिन पहले आया था कि फेसबुक एक लिब्रा के नाम से करेंसी बनाने वाला है या दीगर कंपनियां बनाने वाली हैं। उसी में हमारी इंडिया का भी जिक्र था कि इंडिया में डिजिटल करेंसी अब बनाने आने वाली है, और कोटक महिंद्रा बैंक ने तो मुझे उसका ट्रायल का एप्लीकेशन भी दी थी और डिजिटल करेंसी भी दी थी, लेकिन अचानक से वो सब गायब हो गई। वो जो उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी और जिसमें 2 रुपए मैंने डाल के भी देखे थे, वो भी अपने आप ही डिलीट हो गए। तो क्या हम आपके जी जी क्या हम बैक जा रहे हैं उससे?
नहीं बैक नहीं जा रहे, आप थ्रेट में आ रहे हैं। आप लोग जो है बेसिकली इसी को कहते हैं, दरअसल आपको मुंह से कह देना आप वर्ल्ड विश्व गुरु हो गए, आप मुंह से कह देना कि आपसे दुनिया डरने लगी, आप दुनिया की राजनीति या कूटनीति में दखल दे रहे हैं, ये सिर्फ जो है आपके लोकल वोट लेने तक सीमित है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और चूंकि अकल जो है वो आपके कल्चर से आती है, और कल्चर में जब आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है वो आता है। आप तो अपने बच्चों को झूठ मूठ का इतिहास पढ़ाने लगे, आपका हर बड़ा नेता झूठ बोल रहा है, आपको आपके हर झूठ को सच मनवाने की बच्चों से कोशिश की जा रही है, तो आपके बच्चे तो आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन बन चुके होंगे। पापा साहब ये जो बातें चल रही है ना, आपके बच्चे यानी हिंदुस्तानी नागरिक, वो बच्चे जो जवान हो चुके हैं जिन्हें इतिहास बिल्कुल उल्टा पता है, सच इन्हें पता ही नहीं है, जब ये दुनिया में किसी से बात करेंगे तो ये सब हंसी का पात्र होंगे, लोग इन्हें जो है बानर समझेंगे। ये वो देश जिस देश को पहले से ये लोग सब जिस देश को ये लोग पहले से सपेरों का देश कहते थे, वो ये फिर से सचमुच ये होने जा रहा है। पहले तो नहीं था मगर अब होने जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आपके बाद डिजिटल दुनिया ने डिजिटल करेंसी बना ली है, हजारों डिजिटल करेंसियां चल रही है, और वो डिजिटल करेंसियां क्रिप्टो करेंसियां उनका काम कैसे है, क्यों आपको मना किया गया होगा और क्यों आपने वो मान लिया होगा, यही तो रू चाइल्ड एम्पायर है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए एक जमाना, आप अपने बचपन की बातें याद करिएगा पावा साहब, जब ये जो करेंसी चलती थी उस वक्त मानक था गोल्ड, पहले तो गोल्ड के और चांदी के सिक्के ही हुआ करते थे, उसके बाद फिर ये दूसरे मेटल के, एल्युमिनियम के, तांबे के सिक्कों में तब्दील हो गए, फिर कागज पे प्रिंट होने लगे। मगर ये पूरी कहानी कैसे चलती है, ये फिर भी आपके बीच में कोई बैंक नहीं होता था, आपके ने जितना कमाया वो आपके पास जमा होता था, माइनिंग मतलब स्टोर, माइनिंग मतलब स्टोर होता था, वो आपके पास आपका पैसा, आपके पास फला का पैसा, फला के पास वाहिद नसीम का पैसा, वाहिद नसीम के घर में, चाहे मैं अपने को जमीन में गाड़ूं या फिर मैं आसमान में रखूं या कोई खजाना बना लूं, जो मुझे करना है, मतलब वो कुल मिला के मुझे आजादी थी उस करेंसी के बदले कुछ भी करने की। तो कुल मिलाकर फिर जो ये डिजिटल करेंसी आई है, इससे पूरा बैंकिंग निजाम ध्वस्त हो जाएगा। आपको बैंक क्यों चाहिए बाबा साहब, बैंक आपको क्यों चाहिए, और क्यों इन लोगों ने एक तवील मुद्दत में पूरी दुनिया में इस ये पूरा पूरी दुनिया पे एक आतंकवादी हमला किया, जो करेंसी का जो था, ये आर्थिक टेररिस्ट जो है, इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया। आज आप मुझे पैसे दें या मैं आपको पैसे देता हूं, बीच में कुछ एप्लीकेशन है, इनके बैंक है, एप्लीकेशन आपसे अलग पैसे काटेगी, बैंक अलग काटेगा, ये कुछ नहीं कर रहे, अपने घरों में बैठे हैं और हमको अपना ही पैसा जो मेहनत से हम कमाते हैं उसका पैसा, उसका परसेंटेज हम इनको दे रहे हैं। रूथ चाइल्ड के खजाने में रोज चला जाता है। आप या इंडिया की इंडिया में ट्रांजेक्शन करते हैं, जब आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो एटीएम कार्ड कौन सा भारत का है, एटीएम कार्ड का जो स्विफ्ट सिस्टम है जो इसको पूरे के पूरे को सर्वर को कनेक्ट करता है वो सब उनके हाथ में मौजूद है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने पूरी दुनिया की क्या कर रहे हैं, रूस और चीन कैसे इमदाद कर रहे हैं, क्या जी रूस और चीन कैसे इमदाद कर रहे हैं इससे निकलने के लिए, बता रहा सवाल सवाल पर आते हैं ना। मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ ना पहले कि ये कैसे चलता था, तो वो तभी आपको समझ में आएगा कि वो कर क्या रहे हैं। तो मैंने ये कहा, मतलब ऑडियंस के लिए समझा दूं, आप तो समझते हैं, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपकी छपी हुई करेंसी या बनी हुई करेंसी आपके पास होती थी और वो आप अपनी मर्जी से जिसको देते थे या नहीं देते थे, और फिर आप इसके लोगों ने लोकल कारोबार शुरू किए थे ताकि लूट ना जाए, बीच में कोई करेंसी आपकी लूट ना ले, डकैती ना हो जाए, कारवां ना लूट जाए, तो आप हुंडी का इस्तेमाल करते थे। हुंडी में वो कुछ लोग होते थे कि आपके जयपुर शहर में कोई बैठा है, उस आपका रिश्तेदार है, फोन भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं, चिट्ठियों से काम चलता था वो, मगर उसी का एक आपके दिल्ली में बैठा हुआ है, दिल्ली वाले को आपने जाके 2 लाख रुपए दे दिए और 2 लाख रुपए दे के आपने एक पर्ची ले ली, और वो पर्ची लेने के बाद जयपुर में जाके पर्ची दी, और जब आपने व्यापारिक सामान वहां से खरीदना था वो खरीदा और उस पर्ची के बदले आपको कैश पैसे मिल गए। ये आपका बैंकिंग निजाम था, ये आपका हुंडी निजाम था, ये आपका जो है हवाला निजाम था जो पहले चलता था इस देश में, इस देश में नहीं दुनिया भर में ये चलता था। इन लोगों ने इस पूरे निजाम को कैप्चर कर लिया मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, जिसमें हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग जिसमें इन्वॉल्व थे, उनको सबने ये जो आर्थिक आतंकवादी है दबा के अपने पास बैठ गए। अब इससे निजात पाने का जो तरीका उन्होंने निकाला है वो ये है कि ये जो बिटकॉइन है, ये जो डिजिटल करेंसी है, इसके माइनिंग के लीगली अधिकार का मतलब क्या है, अब आप अपना बैंक खुद है, अब आप पावा साहब आप भी अपना बैंक है, मैं भी अपना बैंक हूं, अगर किसी ऐसे देश में हूं जहां पर माइनिंग
डिजिटल करेंसी की या क्रिप्टो करेंसी की लीगल हो जाए, तो मतलब आप बैंक में पैसे देने क्यों जाते हैं? आप इसलिए बैंक में पैसे देने जाते हैं कि आप बैंक में पैसे आपके सेफ रहेंगे, कोई डाकू लूट ना ले, कोई आपके घर में डकैती ना डाल दे, आप बैंक में सेफ हैं। सेफ हैं जी। अब वो करेंसी जो आप जमा करते थे कागजों के तौर पे, वो कागज तो अब रहे नहीं है, या तो आप नंबर देते हैं ना, आप नंबर, एक नंबर देते हैं अपने मोबाइल से, नंबर बैंक को देते हैं, मोबाइल नंबर बढ़ा के उनको 2,000 से 2,00,000 कर देता है, आपके अकाउंट में दिखते हैं 2,000 नंबर है, वही करेंसी है। वो जो 2,000 नंबर करेंसी बन चुका है, जो कि कागजों का लेन देन तो हो ही नहीं रहा है, वो तो बहुत मिनिमम हो चुका है। मगर उससे भी आसान तरीका ये जो क्रिप्टो करेंसी का है, वो कैसे हो गया है कि आपने दिल्ली में पैसे जमा किए अपने बैंक में, आपने जाके लंदन में आप वो पैसे ले लिए तो आपको मिल गए, मगर इस बीच में 3.5%, 4%, 1%, 2% इस तरीके से आपको बैंक को ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ता है, जो भी वैल्यूएशन होती है। अब क्या हो रहा है, जो इससे लीगलाइज माइनिंग लीगलाइज करने से क्या हुआ है, युआन भी डिजिटल बन चुका है, और कुछ दिनों के बाद सुनोगे कि चीन ने भी माइनिंग लीगलाइज कर दी है। और माइनिंग लीगलाइज होने का मतलब क्या होगा, आज भारत में उस वो रिकॉर्ड में नहीं आता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपके ऐप में वो पैसे हैं, आपने चाहे पेन ड्राइव में वो रखे हैं या आपने अपनी ऐप में रखे हुए हैं, वो आपसे खरीदने और बेचने वाले लोग मौजूद हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हवाले की या हुंडी की पर्ची होती थी, वो हुंडी की पर्ची आपके पास है और हवा में सर्वरों में जो है, या तो पैसे सर्वरों में है या आपकी पेन ड्राइव में है, या अब आपको अपना पैसा जो आपके पास ऐप में है, आप उसको डिजिटल करेंसी को भारत में जाके इस्तेमाल करो, अमेरिका में इस्तेमाल करो, रूस में इस्तेमाल करो, कोई बाउंडेशन आपको नहीं है, उसके खरीदार हर जगह पर पैदा हो चुके हैं, मिल चुके हैं, माइनर है। माइनर मतलब हर आदमी अब अपने आप में एक बैंक है, और वो किस करेंसी में काम करना चाहता है वो उस करेंसी में काम कर सकता है। तो रशिया ने लीगलाइज करके रूथ चाइल्ड की ऐसी की तैसी फेर दी है, ये सबसे बड़ा परमाणु बम फटा है रूथ चाइल्ड अंपायर पे, बैंकिंग अंपायर पे। आने वाले दिनों में ये कोशिश करेंगे, अगर दुनिया कायदे से पुतिन का अभी साथ दे दे, तो ये लोग जो दुनिया को अपना गुलाम बना के बैठे हैं आर्थिक आतंकवादी, ये तबाह हो जाएंगे, और ये जो बैंकिंग निजाम है ये धर्म भरम हो जाएगा, और यकीनी तौर पर फिर पुराने जमाने की तरह कागज या गोल्ड के बजाय आपकी डिजिटल जो करेंसी है वो आपके पास रहेगी, और वो आपको अपना लेन देन कर पाएगी। क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स की भी कोई करेंसी आएगी इंटरनेशनल? बहुत जल्दी आने वाली है, जिस दिन ब्रिक्स की करेंसी आएगी उस दिन डॉलर धराशायी हो जाएगा, क्योंकि देखिए बाबा साहब बड़ी सीधी बात है, चीन को बर्बादी करना कोई चीन की नस्ल से चीन के धर्म से किसी को आपत्ति नहीं है, रूस की नस्ल से रूस के धर्म से किसी को आपत्ति नहीं है, ये आपत्ति उन्हीं आर्थिक आतंकवादियों को है जो अपने निजाम में तमाम पावर तमाम बाजार अपने पास रखना चाहते हैं, दुनिया की तमाम करेंसी आज उनके सर्वर में मौजूद है, भारत का रुपया है मगर सर्वर में उन्हीं के है, भले ही वो आपके बैंक में जमा किया जा रहा है मगर सर फाइनल जो है ट्रांजेक्शन की और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वही लिए बैठे हुए हैं। आपको जो भारत से करेंसी चाहिए, जो भारत की करेंसी आपको जाके नीदरलैंड में चाहिए, तो किसके सर्वर से आप लोगे, उसके बिचौलिए वही है, उसके बिचौलिए में वो पैसे खाते हैं, वो है जो दो बिल्ली जो है, जब दो बिल्लियां आती है और वो दो बिल्लियां अपने रोटी का बंटवारा करवाने लगती है और बंदर बैठा हुआ है, एक टुकड़ा इधर से खाता है एक टुकड़ा उधर से खाता है, कभी ये पलड़ा झुक जाता है कभी वो पलड़ा झुक जाता है, ऐसे में तमाम दुनिया की दौलत इन आर्थिक आतंकवादियों के पास पहुंच जाती है और लोग बेचारे फिर से मजदूरी करते हैं, फिर से मेहनत करते हैं, फिर से कमाते हैं और फिर से ये उस दौलत को समेट कर अपने पास ले जाते हैं, तो उनसे हथियार बनवाते हैं, उनसे जो है दुनिया में गुंडागर्दी करते हैं, दुनिया में बच्चों को मारते हैं, दुनिया को थ्रेट करते हैं, ये सब उसी दम पे किया जा रहा है। मजदूरी आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, और आप ही की मेहनत की कमाई से वो आतंकवादी हथियार बना के दुनिया को थ्रेट कर रहे हैं। ये बात जो मैं पावा साहब आपसे कर रहा हूँ, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो है इस पर हंसेंगे, असल में वो निहायत किस्म के मूर्ख होंगे, उन्हें एबीसीडी नहीं पता है कि दुनिया में होता क्या है, जो हंसेंगे ना वो मूर्ख, वो टाई लगाए बैठे होंगे, कोई चश्मा लगाए बैठा होगा और अपने आप को मैंने इतनी किताबें, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है पागल खाने से भागे हुए लोग, तुमने जहालत की किताबें पढ़ी है और जाहिल नंबर वन हो तुम लोग। नहीं, ये बात तो हम मानते हैं आपकी कि जैसे बंदर सोचता है कि मदारी मुझे खाना खिला रहा है, जबकि हकीकत में बंदर मदारी को खाना खिला रहा होता है, खाना खिला रहा होता। तो इन सब बातों के मद्देनजर मेरा एक सवाल है, आप इसको आखिरी सवाल भी समझ सकते हैं, कि आप इंडिया का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, और इंडिया से ताल्लुक मेरा
पूरे बड़े सगीर से है, भारतीय या उपमहाद्वीप से या दक्षिण एशिया से, तो आप हमारे खित्ते का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है, इसलिए कि यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है और आजकल बाजार जो है वो आबादी बेस हो चुका है। यानी चीन ने इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है कि उसे कंज्यूम करने के लिए सस्ती से सस्ती चीज बनाकर इस कंपटीशन में आपको लोगों की जरूरत है कि सब लोग छोटा छोटा कंज्यूम करें तो सबकी अर्थव्यवस्थाएं चलती रहे। इस पूरे क्षेत्र की आप ये मत भूलिएगा कि यूरोप और अमेरिका मिलाकर इस दुनिया का बहुत छोटा सा हिस्सा बनता है, बहुत छोटा सा। आप जो है उनको मतलब 1 अरब के नीचे नहीं पड़ जाते हैं पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज। उसके बाद आप आते हैं मतलब आर्थिक, तो वो इसलिए मजबूत है ना कि आप ही को लूट के खा रहे हैं आर्थिक आतंकवादी, वरना तो उनके पास है क्या। बात यह है कि आज तमाम प्रोडक्ट जितना भी है, कपड़े बांग्लादेश में बन रहे हैं, दुनिया भर के जो है इंडोनेशिया मलेशिया चिप बना रही है, तेल यहाँ पैदा हो रहा है, एशिया में जो है पूरे गल्फ में तेल पैदा हो रहा है, पूरे चाइना के अंदर सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। अरे वो तो डाटा एंट्री करके आर्थिक आतंकवादी सिर्फ लूट के ही खा रहे हैं ना, बाकी कर क्या रहे हैं? उनका प्रोडक्ट आज को ले कौन रहा है? उनके अपने सुपर मार्केट, अपने बाजार चाइनीज मालों से, भारतीय माल बांग्लादेश के माल से भरे पड़े हैं। मतलब वो तो इसी तबाही को तो रोकना चाहते हैं, इसी तरह भाई को वो पावा साहब रोकना चाहते हैं कि चीन को किसी तरह रोका जाए, और वो उसके लिए पूरी ताकत लगा देंगे। उनके पास एक टूल होता है और वो टूल सबसे खतरनाक है। वो टूल क्या होता है? वो कहते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानता हम उसका सद्दाम बना देते हैं, जो हमारी बात नहीं मानता हम उसका कद्दाफी बना देते हैं, जो हमारी बात नहीं मानता हम उसका शाह फैसल बना देते हैं, जो हमारी बात नहीं मानता हम उसका जाउलक बना देते हैं, जो हमारी बात नहीं मानता हम उसका रईसी भी बना देते हैं, और जो हमारी बात नहीं मानता हम उसका शेख हसीना बना देते हैं, इमरान खान बना देते हैं। और ये दहशत हर डरपोक कायर और भिकमंगे जैसे लोगों को, जो अब मतलब जो है कभी कभी भिकमंगों को भी गद्दियां मिल जाती है मगर अंदर से वो डरपोक होते हैं, अगर यहां बरसगीर में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में अगर ऐसे डरपोक लोग आपकी सत्ताओं में होंगे तो निश्चित रूप से आप बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर ये धार्मिक कार्ड खेलना, चेतावनी दे रहा हूं, अगर ये धार्मिक कार्ड खेलना बंद नहीं किया, डोनाल्ड लू अमेरिकन वेस्टर्न जगत आर्थिक आतंकवादी सब कुछ मिलवा के तुमसे आर्थिक ये जो धार्मिक कार्ड खिलवा रहे हैं ना, असल में ये तुम्हारी तबाही का कारण बन सकता है। इस चेतावनी को नोट कर लेना। मैं इतना ज्यादा जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानता हूं कि तुम मेरे नाखून के बराबर भी कभी नहीं आ सकते। इस चेतावनी को नोट भी कर लेना, सेव भी कर लेना, या तो अभी मान जाना वरना भुगतने के लिए तैयार रहना। बहुत बेहतरीन जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अब हम तो कुपड़ आदमी है, मोदी भक्त है, तो हम तो यही मानेंगे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम, जय जगन्नाथ।